हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और आज हम पढ़ते हैं स्पेशल स्टेन। स्पेशल स्टेन किसके लिए ज़रूरी होता है? जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी बच्चे BMLT DMLT कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी इसकी फर्दर स्टडी कर सकते हैं हम। स्पेशल स्टेन HND स्टेनिंग से थोड़ा अलग होते हैं। जो HND स्टेन है वो रूटीन स्टेन होते हैं। स्पेशल स्टेन देख लेते हैं एक बार। स्पेशल स्टेन इज ए स्टेनिंग टेक्निक टू हाईलाइट द वेरियस इंडिविजुअल टिश्यू कंपोनेंट वंस वी हैव प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द HNE। यह एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू कंपोनेंट, उनको हाईलाइट करते हैं और उनको हम विजुअलाइज करके देख सकते हैं। कौन कौन से होते हैं आगे कार्बोहाइड्रेट में देख लेते हैं कौन से स्टेन आते हैं। पहले कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं क्या क्या है। एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक सेकेंड एक तो हो गया है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और ग्लूको कॉन्जुगेट, ये होते हैं दो। सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। मोलिक्यूल्स कंपोज प्योरली ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो प्योरली कार्बोहाइड्रेट के ही होते हैं, बस और कुछ नहीं होता। ये जो सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है ये आप लर्न कर सकते हैं। ओके, अब ये ग्लाइको कॉन्जुगेट देख लेते हैं हम। ग्लाइको कॉन्जुगेट मोलिक्यूल्स कंपोज ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड अदर मोलिक्यूल्स लिखा है इसमें। अदर मोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन और लिपिड्स, ये दो लिखे हुए हैं, और कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है। इसमें यह है कि कार्बोहाइड्रेट भी हैं और उसके साथ प्रोटीन और लिपिड्स भी होते हैं, ये इनकी डेफिनेशन होगी। और ये प्योरली कार्बोहाइड्रेट के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ओके बच्चों, अब कार्बोहाइड्रेट इसमें देख लेते हैं क्या है। मोनोसैकेराइड्स में कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज, और दूसरा होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। जो ओलिगोसैकेराइड्स में सुक्रोज, माल्टोज, ये इनके एग्जांपल हैं। और लास्ट है पॉलीसैकेराइड्स, इसमें ग्लाइकोजन और स्टार्च आते हैं। अब ग्लाइको कॉन्जुगेट में देख लेते हैं क्या क्या आता है। प्रोटियोग्लाइकन, म्यूसिन एंड अदर ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं इसमें। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इनको हटा सकता हूँ, ये जो मैंने पढ़ाने के बेस पे लगाया था। बस म्यूसिन क्या होता है देखो, ये अभी पढ़ा है ना हमने ग्लाइको कॉन्जुगेट, इसमें म्यूसिन है तो हम म्यूसिन देखते हैं। म्यूसिन में क्या क्या है, म्यूसिन के तीन पार्ट में डिवाइड है, न्यूट्रल म्यूसिन, सीएलओ म्यूसिन एंड सल्फो म्यूसिन। हम न्यूट्रल म्यूसिन देखते हैं। न्यूट्रल म्यूसिन हो गया आपका सरफेस एपिथेलिया ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोशा बर्नर ग्लैंड, जो सरफेस होती है एपिथेलिया गैस्ट्रिक म्यूकोसा की और बर्नर ग्लैंड की। अब देखते हैं शिलियम म्यूसिन, ब्रोंक्योल, सब म्यूकस ग्लैंड, गोब्लेट्स, लेवरी ग्लैंड। और थर्ड है सल्फो म्यूसिन, ब्रोंचियल, म्यूकस ग्लैंड, ये होता है इसमें। अब कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी स्टेनिंग करके हम कैसे पता लगा सकते हैं कि मतलब कौन सी बीमारी है और क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई। हम देख लेते हैं कितने स्टेन हैं इसमें। जो मेन स्टेन होता है सबसे पास होता है सबसे मेन स्टेन, बाकी भी होते हैं पर वो इतना नहीं होते। तो अब हम देख लेते हैं एक बार। पीरियडिक एसिड सिप टेक्निक, सेकंड है एल्सिन ब्लू, थर्ड है कंबाइंड एल्सिन ब्लू पास टेक्निक, म्यूसी कार्बन टेक्निक, कोलाइडल आयरन टेक्निक, मेटाक्रोमेटिक स्टेनिंग, आयरन स्टेनिंग ऑफ 4 ग्लाइकोजन, एंजाइमेटिक डाइजेशन टेक्निक, डाइस्टेज डाइजेशन, स्लाइड डाइजेशन, इसमें डाइजेशन आकर आ रहा है सब कुछ। स्टेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो अभी देखे थे हमने, ये भी सब स्टेन कार्बोहाइड्रेट के ही हैं, पर जो मेन स्टेन है वो है पास की अभी हमने देखी है पीरियडिक एसिड शिप, जिसकी फुल फॉर्म है ये हमें याद रखनी होगी, पीरियडिक एसिड शिप।
और सेकंड है, सेकंड हो गया आपका एलिसन ब्लू और थर्ड हो गया म्यूसिकार्बन स्टेन। अब इसमें डिटेल में देखते हैं पास मेथड है क्या और कैसे होता है और क्या क्या होता है इसमें। पीरियडिक एसिड शिप मेथड, इसमें क्या है, हम रिएजेंट कौन से लेते हैं, पीरियडिक एसिड एंड शिप रिएजेंट, रिएजेंट शिप रिएजेंट और पीरियडिक एसिड डालते हैं इसमें। थोड़ा प्रोसीजर देख लेते हैं। 0.5 to 1% सॉल्यूशन ऑफ पीरियडिक एसिड ऑक्सीडेंट होता है जो यूज फॉर 5 to 10 minutes, 5 to 10 minutes हम यूज करेंगे इसको। फिर उसका ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप विद इन द कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर्मेशन ऑफ 2 free aldehyde ग्रुप, फ्री एल्डिहाइड रिएक्ट विद सेफ रिएजेंट ब्राइट, जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो रिएक्ट करेगा किससे, सेफ रिएजेंट ब्राइट से और रेड मैनेजर एंड प्रोडक्ट्स। रिजल्ट में हम क्या देखेंगे, ग्लाइकोजन और म्यूसिन को देखेंगे, कैसा कलर आएगा, मैग्जेंटा न्यूक्लियाई ब्लू। जो ग्लाइकोजन है, ये ग्लाइकोजन इसका आएगा मैग्जेंटा, म्यूसिन का आएगा ब्लू, जो ग्लाइकोजन है इसका मैग्जेंटा न्यूक्लियाई आएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना क्योंकि जो विजुअलाइज करते हैं उनको फिर बहुत दिक्कत होती है विजुअलाइज करने में। जब पास स्टेन में हम स्टेनिंग करेंगे और माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा, मैग्जेंटा पिंक, अभी देखा था ना हमने मैग्जेंटा क्या है, ग्लाइकोजन, म्यूसिन ग्लाइकोजन फंगी फंजाई है, जो कलर मैग्जेंटा पिंक। यूजेस क्या है इसका, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ या फंजाई, ओके, जो कैंडिडा ये फंगल इन्फेक्शन होता है उसमें भी पास स्टेन कर सकते हैं। पास रिएक्टिव सेल एंड टिशू कंपोनेंट, किस किस से सेल और टिशू कंपोनेंट रिएक्टिव रिएक्ट करते हैं, ये कंपोनेंट दे रखे हैं, चाहे तो आप याद कर सकते हैं सारे। डायग्नोसिस ऑफ सेवरल मेडिकल कंडीशन, ये कुछ कंडीशन है मेडिकल कंडीशन, एक बार देख लेते हैं। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर, किसी को ग्लाइकोजन स्टोरेज में दिक्कत हो रही है, डिसऑर्डर हो रहा है, तो उसके लिए हम कर सकते हैं स्टेनिंग। माइक्रोफेज इन विपल डिसीज़, एक विपल डिसीज़ होती है, अगर हो जाती है तो हम फिर यही स्टेनिंग करते हैं। म्यूसिन इन एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में ये हो जाती है एडिनोकार्सिनोमा। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फंजाई, डेमोन्स्ट्रेशन फंजाई में देख ले, और ये लास्ट का है, मतलब फंजाई में हो जाता है, और ये सेमिनोमा रेबडोमाइसोकार्मोन एविंग द स्टोन कंटेन ग्लाइकोजन। एलसीएन ब्लू, अभी हम देख के आए हैं पीछे, देखो पास स्टेन जो हमने दिखाया था सेकंड नंबर पे, ये है ये सेकंड नंबर का एलसीएन ब्लू। अब इसका हम देखते हैं क्या है इसमें, इसकी फर्दर स्टडी कर देंगे आगे। एलसीएन ब्लू 8GX रिकमेंडेड, कंप्राइज ऑफ कॉपर कंटेनिंग पैथलोसाइनिन रिंग लिंक टू 4, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता,